हूँ जिस तरह अपने मिठू सिंह जी भी कन्नों तो बोले ने जी कुछ कर नहीं सकते सारे नाल ही समझते ने गृहस्थी जीवन सारा वो सिर पर चल रहा सी। इन्हां लई दो एकड़ जमीन है जी वो भी पानी तो बिना ट्यूबवैल तो बिना ही हो क्योंकि लगभग ये मतलब कि 30,000 रुपये ठेकरे चढ़ती है 60,000 घर का परिवार का गुजारा नहीं होता। इन्हां दा जिन्ना भी वह करजा वगैरह वो माफ़ करना चाहिए क्योंकि हसबैंड भी इन्हां दा डिसेबिलिटी हुआ जी। एक बेटी है वह लखियाल ब्याही हुई है वह भी बेचारी बहुत मतलब कि वह करते हैं जी। ये बेटा 17 साल का 12वीं दे विच पढ़ता जी। वह कुछ जहरीली चीज़ खा ली कोई वो करके डैथ हुई है। ये कोई घर गल करते भी की बनूगा की बनूगा जिवें बच्चे तो पता लगे भी बस थोड़े घने डिप्रैशन दे विच सीगे उहदे करके कुछ जहरीली चीज़ खा ली। इहदे बारे तो यही कहने जी जो भाणा होना सी उह हो गया हुण जिस तरह अपने मिठू सिंह जी भी कन्नां तो बोले ने जी कुछ कर नहीं सकते सारे नाल ही समझते ने गृहस्थी जीवन सारा वो सिर पर चल रहा सी। कुछ जिहड़े आपां ने दस्सिया जी आर्थिक तौर पर जिहड़ी मदद आ उह होनी चाहीदी आ अपने इहनां नूं की कहने हुंदे ने जी उहनां जिहड़ी इन्हां दा जिन्ना भी वह करजा वगैरह वो माफ़ करना चाहिए क्योंकि हसबैंड भी इन्हां दा डिसेबिलिटी हुआ जी। हाँ जी आर्थिक तंगी हुआ जी। आर्थिक तंगी के कारण ही उन्हां दे दिमाग के उत्ते लोड चलता रहिंदा सीगा जिहड़ा देण लैणा जी थोड़ा बहुत इन्हां दा जिस तरह बैंकां बुंकां दे विच्चों वो माफ़ होना चाहिए जी। साडी इही अपील आ देखो सरकार नूं मैं असीं अपील करदे आं भी कोई भी जाति दा आधार ना दे के भी इन्हां दी मदद करी जाए क्यों परिवार बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जी। इन्हां लई दो एकड़ जमीन है जी वो भी पानी तो बिना ट्यूबवैल तो बिना ही हो क्योंकि लगभग ये मतलब कि 30,000 रुपये ठेकरे चढ़ती है 60,000 घर का परिवार का गुजारा नहीं होता। यही ज़्यादा डिप्रैशन के इस कारण रेंदे थे जी। वो भी बड़ा कारण नहीं सुनया जाता मतलब कि इन्हों सुनता नहीं है भी घर लेडीज मतलब कि सारा घर परिवार चलाती थी। एक बेटी है वह लखियाल ब्याही हुई है वह भी बेचारी बहुत मतलब कि वह करते हैं जी। ये बेटा 17 साल का 12वीं के पढ़ता जी। वो मतलब देखो सरकार को यही अपील करते भी इन्हों रुजगार दिता जाए इन्हों 3-4 लाख की लिमिट वगैरह क्योंकि बैंक वाले गेड़ा मारते हो डिप्रैशन ज़्यादा रेंदे थी। ये बैंक वाले बार बार गेड़ा मारते रहे भी कितों हल करिए हूँ 60,000 इन्हों ठेके चढ़ती है 2 किले जी तो बैंक कितों भर देंगे जी। तो सरकार को मतलब कि यही बेनती है देखो आम आदमी पार्टी बहुत ईमानदार सरकार बनी है तो जरूर इन्हों का हल कर देखो जी। हाँ जी मैंने हाँ इन्हों की मंग पूरी होनी जो करजा ही करजा माफ हो जाए जी बहुत टेंशन से रहते ज्यादा जी। जो बेटा जी आ भी नौकरी सरकारी में कोई मिल जाए जी रुजगार कोई जी बाकी जो डैडी जी ने सुनता घटा जी इलाज भी हो गया जी। हाँ इलाज तो पहला कराया थी जी बजुर्गों ने जी। हाँ जी ना इलाज होना चाहिए जी हाँ जी करजे जी। हाँ जी बैंक वाले गेटा मार देते जी। ये जी साढ़े गवांढी सीगे कुलवीर कौर साड़ी चाची जी लगती थी घर चो तो रणजीत कौर मिठू जी के पत्नी सीगे ही तो कल पता लग्या कुछ जहरीली चीज़ खा ली कोई वो करके डैथ हुई है। ये बंदियां तो पता लग्या भी डिप्रैशन सीगे कुछ दिन तो कोई घर गल करते भी की बनूगा जिवें बच्चे तो पता लग्या भी बस थोड़े घने डिप्रैशन दे विच सीगे उहदे करके कुछ जहरीली चीज़ खा ली भी 2-3 लाख रुपया 3 लाख दिया शायद पता नहीं है तो पता लगेगा भी कुछ बैंक बुंक का करजा कुरजा फिर उस वजह नाल बस डिप्रैशन दे विच सीगे जी। आर्थिक तंगी हैगी सी जी। हाँ जी सरकार प्रशासन तो यही मंग करते हैं जी भी किमें ना किमें जंजाल चो कढ़िया जाए परिवार को हालात काफ़ी औखे ने जी आर्थिक पद्धर तो काफ़ी कमजोरी है जी। बच्चा जी ने वह भी डैफ ने मतलब सुनता नहीं उन्होंने सुनाई नहीं दिता जी तो बच्चा नाबालिग जी वो तो जी बचपन तो नहीं सुनता उन्होंने काफ़ी देर तो। हाँ जी इलाज वगैरह करवाया हाँ जी उस टाइम पहला बजुर्गों ने करवाया सीगा पर हुण मतलब कोई पुख्ता इलाज नहीं होया जिहदे करके मतलब वो इस टाइम सुनता नहीं उन्होंने। हाँ जी हाँ जी इशारे नाल समझाया जाता जी जी 43 साल की उम्र सी इन्हां दी। कुछ भी नहीं जी रात सानू एक 10:30 बजे हॉस्पिटल तो मैसेज आया कि एक कुलवीर कौर की लेडीज़ जो कि बहुत डैड आई है जो साढ़े एस आई हरजिंदर लाल वो रुके थे गए तो उन्होंने जवाई अमनदीप सिंह ने लिखाया उन्होंने बयान लिखा उन्होंने लिखाया कि जी मेरी माँ सी वो कुछ मानसिक तौर पर परेशान रहती सी सस उन्हें गलती नाल कोई दवाई खाधी
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ 174 CRPC ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।